एक सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों जो आज तक की तरफ से हमें पता चल रहा है वो भी है धूम 4 को लेकर। जी हाँ, धूम 1 देखी हमने, धूम 2 देखी हमने, धूम 3 देखी हमने, और अब बारी है दोस्तों धूम 4 की। मैं राहुल बोझ स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और अगर ये बात जो दोस्तों कंफर्मेशन के साथ आ गई तो लिटरली इस बड़ी एक्ट्रेस का जो बैंक बैलेंस है या फिर जो पॉपुलैरिटी है वो 4 चांद लग जाएंगे और करियर जो है एक गेम चेंजर बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर दोस्तों दीपिका पादुकोण की। जी हां, आज तक की रिपोर्ट में दोस्तों इस बात को लेकर खुलासा किया गया है कि मेकर्स जो हैं इस बार पूरा खेल ही पलटाना चाहते हैं। ज्यादातर फिल्मों में मतलब कि धूम सीरीज में जो जो कहते हैं एंटी हीरो मटेरियल होता है वो एक मेल एक्टर ही होता है या फिर फिल्म का जो एंटैगनिस्ट है वो एक मेल ही होता है। फर्स्ट धूम अगर आपको याद होगी उसमें जॉन अब्राहम था, सेकंड धूम अगर आपको याद होगी तो उसमें ऋतिक रोशन था, फिर बाद में ऐश्वर्या भी ज्वाइन कर लेती हैं। तीसरी धूम में हमने देखा था कि आमिर खान थे, वो भी दो। अब यहां पर दोस्तों एक अलग खुलासा एक अलग बात के साथ आया है, वो ये है कि दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया है धूम सीरीज के लिए, धूम 4 के लिए, और मेकर्स पूरा गेम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि यश राज फिल्म्स जो है वो पूरा गेम चेंज करना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण को एक स्टाइलिश चोरनी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं दोस्तों वो। और अगर ये बातें और भी ज्यादा कंफर्म हो गई और दीपिका की तरफ से नॉड मिल गई तो लिटरली भारत में स्पेशली हिंदी फिल्मों में ये एक मील का पत्थर भी साबित हो सकती है कि इस तरीके से इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में एक मेन लीड जो है वो एक अभिनेत्री निभा रही है। हालांकि अभी तक ये बात दोस्तों जो है मीडिया गलियारों में है। वहीं अगर बात करें तो ऑफकोर्स उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन ये दोनों एक तो होंगे ही होंगे क्योंकि ये जय वीरू हैं, राइट, ये लोग तो होंगे ही होंगे। और वहीं अगर बात करें अगर दीपिका पादुकोण होती है तो लिटरली मजा आ जाएगा, लिटरली ये खेल देखना जबरदस्त रहेगा। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? अगर दीपिका पादुकोण नहीं तो उनके अलावा कौन कोई फीमेल एक्ट्रेस जो है इसमें जबरदस्त काम कर सकती है, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास बताएं, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज़।